पटेल मैदान में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता के दूसरे दिन अंडर 11 और 13 ग्रुप में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम के उपमहापौर वीरेंद्र भट्ट उपस्थित हुए। इस अवसर पर टेबल टेनिस एसोसिएशन ने उप महापौर वीरेंद्र भट्ट को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि वीरेंद्र भट्ट ने टेबल टेनिस एसोसिएशन को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवाने के लिए बधाई दी। सुपुत्र सुभाष अन्य परिजन और इस टेबल टेनिस कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बुलाया। और जैसा कि हमारे हिंदू बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत राज बैद्य जी ने बताया कि कल से ये खेल शुरू हुआ है, लगभग 170 इसमें प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मेरा सभी यहाँ प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो खेल को खेल की भावना से खेलें। खेल में हार एक अलग विषय है, लेकिन ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले हमारे देश का भविष्य है, वो नशे से दूर रहकर खेलों की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हैं। मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप और भी अपने साथियों को खेलों की तरफ बढ़ाएं। मेरा पुनः एक बार हेमंत कपूर जी और अन्य सभी यहाँ पर उपस्थित समिति के सदस्यों का स्वर्गीय लाला पीसी नंद की याद में हर वर्ष टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता बैडमिंटन हॉल में आयोजित करवाई जा रही है और इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अंडर 11 व 13 ग्रुप के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दमदार खेल का प्रदर्शन किया और जिन खिलाड़ियों ने इन ग्रुप के मुकाबलों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया है उनको नगर निगम के उपमहापौर वीरेंद्र भट्ट द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से 170 के करीब लड़के और लड़कियां खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज पीसीएलएन मेमोरियल फर्स्ट रैंकिंग एचपी स्टेट चैंपियनशिप का दूसरा दिन था। इसमें अंडर 11 गर्ल्स, अंडर 11 बॉयज, अंडर 13 गर्ल्स और अंडर 13 बॉयज के जो विजेता और रनर्स अप प्रतिभागी रहे, उन्हें श्री वीरेंद्र भट्ट, डिप्टी मेयर नगर निगम मंडी और उनके साथ आए हुए श्री वीरेंद्र आर्य जी और श्री कृष्ण भानु पार्षद जी ने मोमेंटो देकर जो है सम्मानित किया। कल इस प्रतियोगिता का समापन होगा। माननीय उपायुक्त मंडी श्री अरिंदम चौधरी के द्वारा विजेता और उप विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी उपस्थित होंगे। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।